I have our today's activity from the chapter measurement. So can you tell me which topic we are going to start? Yes, in measurement chapter, which topic we have started? Okay, addition. Okay, very good. जितने बच्चों ने भी अपना रिस्पॉन्स मुझे सेंड किया है, इट मीन्स सभी बच्चों ने ही अपनी जो वीडियो है व्हाट्सएप पे आई हुई, वो सभी ने लिसन की है, देखी हुई है. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेल डन. नाउ ऑन योर स्क्रीन लेट्स रिवाइज सम प्रीवियस टॉपिक विच वी हैव डन इन अवर लास्ट डे. सो यू नो व्हेन एवर वी वॉन्ट टू कन्वर्ट इन कन्वर्जन पार्ट, ठीक है. सो इन कन्वर्जन पार्ट व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द यूनिट्स लाइक दिस. ओके, यू नो अबाउट मीट्रिक यूनिट्स, व्हाट आर द मीट्रिक यूनिट्स. ओके, सो दीज आर द यूनिट्स, किलो, हेक्टो, डीएफ मींस डेका, ए मींस की डेका, एंड ओनली डी मींस की डेसी. ओके, डेका आफ्टर दैट राइट. ओके, हेयर इन यूनिट, यूनिट मीन्स की विच बेसिक यूनिट यू आर गोइंग टू यूज. इफ दे इन क्वेश्चन दे आर टॉकिंग अबाउट मास, मास का बेसिक यूनिट क्या होता है, ग्राम. ओके, हेयर हमने क्या राइट करना है, बेसिक यूनिट. आफ्टर दैट क्या होता है, डेसी. नेक्स्ट वन इज सेंटी, एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज मिली. ओके, सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे यूनिट कौन सा होगा, मिली. एंड सबसे हाईएस्ट कौन सा, बिगेस्ट कौन सा होता है हमारा, किलो. ओके, सो हेयर इज द क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग अबाउट 65 हेक्टाग्राम टू सेंटीग्राम. मैंने कन्वर्ट क्या करना है, 65 हेक्टाग्राम को सेंटीग्राम में, ठीक है. क्वेश्चन में देखिए आपका यूनिट, बेसिक यूनिट कौन सा यूज हो रहा है, ग्राम यूज हो रहा है ना यहाँ पे, मास की बात हो रही है. So, हमने यहाँ पे क्या करना है अभी, ये तो अपने सीरीज को ऐसे लर्न ही कर लेना है कि कैसे होते हैं हमारी मीट्रिक यूनिट की सीरीज, ठीक है. आफ्टर दैट बेटा हमने यहाँ पे क्या करना है, सभी यूनिट्स के पीछे हमने बेसिक यूनिट राइट करना है. ग्राम की क्वेश्चन में ग्राम की बात हो रही है, हमने क्या किया, सबसे पहले जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट क्या यूज हुआ, ग्राम, ग्राम राइट किया. और आफ्टर दैट सभी अल्फाबेट्स के पीछे हमने ग्राम राइट कर दिया, किलोग्राम, हेक्टाग्राम. सबसे बिगेस्ट यूनिट क्या है इन मास, किलोग्राम. एंड नेक्स्ट स्मॉलर यूनिट क्या है, हेक्टाग्राम. नेक्स्ट उस हेक्टाग्राम से स्मॉलर कौन सा हुआ, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम. Now, this arrow is showing here. What this arrow is showing? If we are moving from bigger unit to smaller. ठीक है? सबसे bigger kg, उससे smaller hg, उससे smaller dag, उससे smaller gram and so on. Okay? Suppose, in this question, what we have to find? 65 hectogram to centigram हमने conversion कर दिया यहाँ पे ना. देखिए, hectogram कहाँ पे है? Here and where is centigram? Here. It means we are moving from bigger to smaller. Bigger को convert करना है हमने smaller में ना. So इस case में हमने क्या करना है? Multiply करेंगे और divide. Here what we are going to do? Multiplication or division? Multiply. Very good. Multiply करना है. But करना किसके साथ है multiply? कैसे हम find करेंगे? You know कि जब हम move करते हैं from unit to unit, each unit is going to multiply by 10. Okay? Hectagram को अगर convert कर रहे हो decagram में, then we will multiply by 10. Okay? And so on. Now, see here, hectagram to centigram तक पहुंचने के लिए हमने कितने jumps यहाँ पे लेने हैं? Count करिए. Hectagram to decagram 1, decagram to gram 2, ग्राम टू डेसीग्राम 3, डेसीग्राम टू सेंटीग्राम 4, 4 जंप्स लिए. ओके, सो 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 10 × 10 × 10 × 10, कितनी जीरोस आ जाएंगी 1 के पीछे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया ना 10 को,
फॉर मनोबल, यस वेरी गुड, फोर जीरोज आ जाएंगी वन के साथ. इट मीन्स 65 को मल्टीप्लाई किया 10,000, ओके 10,000 में फोर जीरोज होती हैं, सो 10,000 सेंटीग्राम. अभी हेक्टाग्राम को सेंटीग्राम में चेंज किया, सो यहाँ पे हमने साथ में सेंटीग्राम ही राइट करना है, नॉट हेक्टाग्राम. गॉट इट? सो मल्टीप्लाई करके वी गेट 6,50,000 सेंटीग्राम. ओके, नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू कन्वर्ट 89 डेसीग्राम टू हेक्टाग्राम. नाउ सी इन दिस टेबल वी हैव टू कन्वर्ट, डेसीग्राम इज हियर, डीजी इज डेसीग्राम टू हेक्टाग्राम. हम स्मॉलर से बिगर की तरफ मूव करेंगे. नाउ यू नो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर यूनिट व्हाट वी विल डू, डिवाइड. वेरी गुड भार्गवी, डिवाइड करना है इस केस में, बट किसके साथ डिवाइड करना है, हम स्टेप्स काउंट करेंगे. डेसीग्राम टू ग्राम 1, ग्राम टू डेकाग्राम 2, डेकाग्राम टू हेक्टाग्राम 3. ठीक है, 10 को 3 करिए कितना आएगा, 1000. बेटा म्यूट योरसेल्फ. ओके, 1000 आएगा. हमने डिवाइड किसके साथ करना है 89 को, म्यूट योरसेल्फ बेटा. ओके, वी आर गोइंग टू डिवाइड 89 बाय 1000. साथ में कौन सा यूनिट है जिसमें हमने कन्वर्ट करना है, दैट इज हेक्टाग्राम. ओके, नाउ गिव मी द आंसर, हरी अप, डिवाइड 89 बाय 1000. यू कैन गिव योर आंसर इन डेसिमल. Yes, very good. No, Harshika, your answer is wrong. Beta, here we are going to divide, not multiply. Bhavik, your answer is wrong. Madhav, Bhavneet, very good. Tanishka, well done. Now see, 1000 बहुत इजी है बेटा, आपका डिवीजन चैप्टर में हमने किया हुआ है, पीटी 2 में किया हमने ये वाला टॉपिक. 1000 में कितनी जीरोस हैं, यहाँ पे 3 जीरोस हैं. ठीक है, सो 3 जीरोस हैं यहाँ पे. जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड में हमने 3 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट लगाना है. यहाँ पे तो 2 डिजिट नंबर है, 89 इज 2 डिजिट नंबर. So, हमने 3 डिजिट नंबर कैसे इसको बनाना है, 89 से पहले 0 लगा देनी है यहाँ पे. ठीक है, सो वी गेट अवर आंसर 0.089 हेक्टाग्राम. नाउ राइट इन चैट बॉक्स हेयर व्हाट इज द होल नंबर पार्ट. होल नंबर पार्ट का नंबर कौन सा है, गुड सिमर, योर आंसर इज रॉन्ग. आदिल, ओके वेरी गुड, यस हेयर होल नंबर पार्ट इज 0. एंड व्हाट इज द डेसिमल पार्ट, व्हाट इज द डेसिमल पार्ट. नॉट ओनली 89 और 0, द आंसर इज 089. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. हियर वी हैव टू फाइंड द टोटल. दीपाक्षी म्यूट योरसेल्फ. टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स. ओके, वेजिटेबल्स का टोटल हमने वेट फाइंड करना है हियर. सो द वेट ऑफ अनियन इज 5 केजी एंड 195 ग्राम, एंड वेट ऑफ पीज इज 3 केजी एंड 185 ग्राम. नेक्स्ट इज द वेट ऑफ टोमेटो इज 10 केजी एंड 340 ग्राम. लास्ट वन इज पोटैटो, द वेट इज 2 केजी एंड 306 ग्राम. ओके, अभी एड कैसे करना है. इन थर्ड क्लास आपने इसको कैसे किया था, लाइक यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं केजी एंड ग्राम. आप क्या करते थे, ओनली टू कॉलम्स बनाते थे, ओनली केजी एंड ग्राम. ओके, केजी को केजी के अंडर राइट करना है, ग्राम डिजिट्स को हमने ग्राम के अंडर राइट किया और एड कर दिया. ओके, ऐसे ही किया हमने. बट इन फोर्थ क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट द मीट्रिक यूनिट्स.
ओके ऑल यूनिट्स हम यूज कर रहे हैं. सो इस क्वेश्चन को भी हमने सभी मीट्रिक यूनिट्स का यूज करके इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है. ओके नाउ हम राइट कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स मीट्रिक यूनिट्स. ओके पहले वो लर्न करेंगे, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट फॉर राइटिंग अकॉर्डिंग टू इट्स मीट्रिक यूनिट्स. नाउ हियर इज 3 kg एंड 145 ग्राम. ओके दिस इज देयर. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू राइट दिस अकॉर्डिंग टू इट्स मीट्रिक यूनिट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो किलो हेक्टो डेका बेसिक यूनिट डेसी सेंटी मिली ये आपके हैं मीट्रिक यूनिट्स ना. इसके बाद हम बेसिक यूनिट राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन. गॉट इट. नाउ इन द क्वेश्चन व्हाट इज द बेसिक यूनिट केजी और ग्राम. कौन सा है बेसिक यूनिट यहाँ पे हरिहर. विच इज द निधिमा. वेरी गुड. ग्राम मास की बात हो रही है. ओके सो इट मीन्स ग्राम बेसिक यूनिट है. सो हमने बेसिक यूनिट की प्लेस पे क्या राइट किया ग्राम एंड किलो के पीछे क्या राइट किया बेसिक यूनिट ग्राम. किलोग्राम हेक्टाग्राम डेकाग्राम ग्राम डेसीग्राम सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम. ओके आपने भी अभी मीट्रिक यूनिट्स को हॉरिजॉन्टली ही राइट करना है. ठीक है. इन कन्वर्जन पार्ट व्हेन एवर यू आर गोइंग टू कन्वर्ट एनी नंबर देन उसमें वर्टिकली आप चेक करोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाले केस में. बट व्हेन एवर यू आर गोइंग टू एड और डिवाइड यू विल राइट द मीट्रिक यूनिट्स इन हॉरिजॉन्टल. ठीक है. हॉरिजॉन्टली ही राइट करना है आपने. लिपिका आर यू लिसनिंग केयरफुली व्हाट यू आर डूइंग. अनम्यूट योरसेल्फ. ओके हॉरिजॉन्टली राइट किया. नाउ गोइंग टू द हाईएस्ट यूनिट हियर इज 3 kg. ओके 3 वी विल राइट 3 अंडर केजी. केजी यहाँ पे राइट किया हुआ है. सो 3 को हमने केजी के अंडर राइट करना है हियर. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट 145 ग्राम. ओके दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. Whenever you are going to write this part according to its metric unit, then you will only, firstly, you will only see the ones place digit. 145 ka ones place digit kya hai? 5. Okay. We will write 5 under gram. Okay. 5 ko under gram write kiya. And rest of the digits. Kaun se abhi digits bache hai jahan pe? 1, 4 na. So, हमने 1, 4 को ग्राम के पीछे वाले जितने भी यूनिट्स बचे हैं उसके अंडर राइट कर देना है. आई एम रिपीटिंग इन 145 फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओनली सी द वंस प्लेस डिजिट. वी विल राइट द वंस प्लेस डिजिट अंडर ग्राम जो आपको यहाँ पे गिवन है. ग्राम गिवन है. ग्राम के अंडर ही 5 को राइट करना है. एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट 1, 4 है उसको हमने बाकी जो ग्राम के प्रीवियस वाले यूनिट्स हैं मीट्रिक यूनिट्स हैं उनके अंडर हमने राइट करना है. ठीक है. 1 विल कम अंडर हेक्टाग्राम एंड 4 विल कम अंडर डेकाग्राम. एनी डाउट हियर. ओके नेक्स्ट अभी मैं फिर से करवा रही हूँ. वहां से अगर कोई भी डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट अगेन I am going to write these numbers according to its metric unit. 56 liter. Okay. जो liter है यहाँ पे है ना. So 6. 56 का ones place digit क्या है 6. 6 we will write under liter here. Okay. And 5 कहाँ पे आएगा liter से previous जो हमारा metric unit होगा. 5 will come under decaliter. Now moving to the next. मिलीलीटर 8 मिलीलीटर. 8 वी विल राइट 8 अंडर मिलीलीटर. बट ओनली वन डिजिट था ना यहाँ मिलीलीटर में कोई भी और डिजिट नहीं है. सो 8 को मिलीलीटर के अंडर राइट किया. बट आप देखोगे लीटर एंड मिलीलीटर के अंडर स्पेस थी कोई भी डिजिट नहीं आ रहा था. सो वहां पे हमने 0 राइट कर देना अपनी तरफ से. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट 131 लीटर. अगेन 131 लीटर. 131 का वंस प्लेस डिजिट क्या है 1. 1 वी विल राइट अंडर लीटर
and the rest of the digits we will write in the previous unit. 3 will under come under decaliter and 1 will come under hectoliter. Got it? Next, 65 milliliter. 65 का जो 5 है वो हमने write करना है milliliter के under and जो 6 है वो आएगा centiliter के under. एक और place बच गई यहाँ पे, deciliter. कोई भी number digit नहीं है वहाँ पे, so हमने write किया यहाँ पे 0. Got it? Okay. Now we are going to solve this question now. The weights are these. Okay. Now, which unit we are going to talking about here? Basic unit is gram. Okay. So हमने horizontally write किए metric units: kilogram, hectogram, decagram, gram, decigram, centigram, milligram. ओके बेटा, आपने ये सीरीज प्रॉपरली लर्न करनी है. अगर इन बिटवीन कुछ भी आपने स्किप किया या रॉन्ग राइट किया, दिस विल बी रॉन्ग. व्हाट इट, और हॉरिजॉन्टल ही राइट करना है इसको. नेक्स्ट, देयर इज 5 केजी. हियर इज 5 केजी इज हियर एंड वी विल राइट 5 अंडर केजी. नेक्स्ट वन इज 195 ग्राम. द 5 ऑफ 195 वी विल राइट अंडर ग्राम. And rest of the digit we will write under the previous units. Kya aayega? 9 will come under decagram, 1 will come under hectagram. Got it? Next, 3 kg and 185 gram. You know about this. Okay, kaise write karna hai? Now, next part. There is a 2-digit number in kg. This is again an important part. How to write a 2-digit number under the biggest unit. KG है, this is the biggest unit. Biggest units के previous कोई भी unit नहीं है ना, you know, इसके पीछे कोई भी basic unit नहीं है. अब 2-digit number को कैसे write करना है? हमने चाहे 2-digit number हो, 3-digit number हो, in the biggest unit, ठीक है, वो हमने वहीं पे ही write करना है. वहाँ पे कोई भी digit previous unit में place नहीं होगा. Okay? So 10 को हमने kg के अंडर ही राइट करना है. Got it? Now 10 kg and 340 gram. Last one is 2 kg and 306 gram. Now we will add these numbers according to its units. Okay, metric units के अकॉर्डिंग ही हमने इनको राइट करना है. First column is gram. Gram है. तो सभी डिजिट को ऐड कीजिए यहाँ पे. जपनूर मलिक, वेरी गुड. 10 बोथ नंबर विल कम अंडर केजी. यस हर्षिका, बोथ डिजिट्स ऑफ 10 विल कम अंडर केजी बिकॉज केजी के बाद इन प्रीवियस ऑफ केजी दे विल नॉट एनी मीट्रिक यूनिट. वेरी गुड जपनूर. गुरशान, ओके गुशान, सभी नंबर्स को ऐड कर लीजिए अकॉर्डिंग टू इट्स कॉलम. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम को, नेक्स्ट वन डेकाग्राम, हेक्टाग्राम, किलोग्राम. वेरी गुड 22. हितेशी बेटा, प्रॉपर आंसर दीजिए मुझे अपना. तनिष्का ढंड, वेरी गुड. कॉमास नहीं डालने तनिष्का. Simply just write 21 kg, 0 hectogram, 2 decagram, 6 gram. And one thing more, Bhargava, आपने capital letters में write किया हुआ ना kg, hectogram, decagram, write in small letters. 0, 26 gram. Bhavni Singh ji, you are not doing according to its metric unit. जैसे मैंने यहाँ पे करवाया वैसे ही solve करना है. So the answer is 21 kg, 0 hectogram, 2 decagram and 6 gram. Now I'm moving to the answer part. Answer में कैसे write करना है? हमने answer में भी इसको according to its metric unit ही write करना है. Then the answer is 21. kg के अंदर 21 आया, 21 kg. ठीक है? kg आपने back side ही write करना है after the digits. ठीक है? 21 kg, 0 hectogram, 2 decagram and 6 gram. This is our answer part. Okay.
नाउ आपने ये ऑब्जर्व किया कि बाकी के जो हमारे यहाँ पे मीट्रिक यूनिट से वहां पे कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है? यहाँ पे बता देती हूँ, आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो और यू कैन राइट हियर जीरोस, ठीक है? जीरोस भी राइट कर सकते हो और यू कैन स्किप. नाउ इन नेक्स्ट पार्ट एडिशन ऑफ मीट्रिक मेजर्स. सो द क्वेश्चन इज 82 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर, 22 मीटर 400 मिलीमीटर, 8 डेकामीटर 55 सेंटीमीटर. नाउ मीट्रिक यूनिट्स, व्हाट आर द मीट्रिक यूनिट्स इन दिस क्वेश्चन? हरी अप राइट इन चैट बॉक्स मीट्रिक यूनिट्स, राइट ऑल द मीट्रिक यूनिट्स इन चैट बॉक्स. मिस बा गिव्स यू आंसर. Write all the metric units, whatever we are using in this question. Yajad, you have not written all the metric units. I have a doubt. Dhruvika, unmute. Thank you. Okay, very good. Very good, beta. So, here, इन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल आपने ये मीट्रिक यूनिट्स आपने राइट करने हैं. सो हियर इज द बेसिक यूनिट मीटर, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर मीटर्स, ओके? ओके, नाउ हियर 82 किलोमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. किलोमीटर के अंडर क्या राइट करना है? 82. टू डिजिट नंबर ही हमारे इस मीट्रिक यूनिट के अंडर राइट करना है, 82. एंड नेक्स्ट वन इज 5 सेंटीमीटर, ओनली वन डिजिट इज हियर, सो वी विल राइट 5 अंडर सेंटीमीटर, ओके? सो 82 एंड 5 के इन बिटवीन कोई भी डिजिट नहीं था, सो इन दैट प्लेस वी विल राइट 0 इन ऑल प्लेसेस, ओके? नेक्स्ट वन इज 22 मीटर. सो मीटर की बात हो रही है, मीटर जो है किलोमीटर से स्मॉलर है ना, so it means 22 का जो वंस प्लेस डिजिट है दैट इज 2, वी विल राइट अंडर मीटर, एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट वी विल राइट अंडर द प्रीवियस यूनिट, ओके? सो वी विल राइट लाइक दिस, 2 विल कम अंडर डेकाग्राम एंड 2 विल कम अंडर मीटर, आफ्टर दैट 400 मिलीमीटर. 400 का जो वंस प्लेस डिजिट है दैट इज 0, वी विल राइट अंडर मिलीमीटर, एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट वी विल राइट अंडर द प्रीवियस यूनिट दैट इज 400. ओके, नेक्स्ट वन इज 8 डेकामीटर. 8 विल कम अंडर डेकामीटर, एंड द 5 और 55 विल कम अंडर सेंटीमीटर, एंड द रेस्ट ऑफ द डिजिट विल कम अंडर डेसीमीटर, ओके? और इन प्लेस ऑफ अदर यूनिट्स वी विल राइट 0, क्योंकि वहां पे कोई भी डिजिट गिवन नहीं है, सो उसको हमने फिल करना है विद द हेल्प ऑफ 0. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड, ओके? कॉलम वाइज हम इसको ऐड करेंगे. मिलीमीटर में जीरोस हैं, सो हियर विल कम 0. इन सेंटीमीटर 5 + 5 = 10, द 0 ऑफ 10 विल कम अंडर सेंटीमीटर, एंड वी विल कैरी ओवर 1 इन द नेक्स्ट प्लेस, ओके? सो 5 + 4 = 9, 9 + 1 = 10, ओके? 10 का 0 विल कम अंडर डेसीमीटर, एंड 1 वी विल कैरी ओवर इन द नेक्स्ट प्लेस दैट इज मीटर. सो 2 + 1 = 3, 8 + 2 = 10, हियर विल कम 1, सो 82 + 0 = 82. सो इन आंसर पार्ट वी विल राइट 82 किलोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, 0 डेकामीटर, 3 मीटर, 0 डेसीमीटर, 0 सेंटीमीटर एंड 0 मिलीमीटर. एक्सक्यूज मी मैम, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड.